हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे सब जानते हैं, मैं हूं निलोफर और मैं हेल्थ एंड फिटनेस और वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूं। साथ ही साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग, उनके प्रमोशंस भी करती हूं। तो जिन लोगों को पता होगा, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्हें पता होगा मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी, रोड एक्सीडेंट। तो मेरे यहाँ पर काफ़ी चोटें आई थी, तो नील और स्वेलिंग आपको अभी दिख रही होगी, ये दाग सा हो गया है, बट डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। दुख आता है तो जाने में टाइम लगता है, तो ठीक हो जाएगा। और आज मैंने किया है सॉल्ट फ्री डे। तो सॉल्ट फ्री डे पे मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, और स्पेशली आज के दिन जब मुझे चोट भी लगी है, मेडिसिंस भी चल रही हैं, तो भी मैंने सॉल्ट फ्री किया है, तो देखती हूँ क्या होता है। क्योंकि मुझे लगता है मेरा वाटर वेट हो गया है, क्योंकि 5-6 दिन से कुछ भी, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है जब से चोट लगी है, तो कुछ भी नहीं किया है, ना ही कोई ऐसा ड्रिंक, मॉर्निंग ड्रिंक, नाइट ड्रिंक, ऐसा कुछ भी नहीं। और खाना भी सब कुछ खाया है, बस 32 बार से ही खाया है, बट सब कुछ खाया है, जूसेस पिए हैं, तो मिल्क पिया है। तो मुझे लगता है कि वेट तो नहीं बढ़ा है, बट वाटर वेट है, स्वेलिंग है फेस पे, चोट की वजह से भी है। तो इसलिए आज मैं कर रही हूँ सॉल्ट फ्री डे, और आप देखना मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक रूम का टूर नहीं कह सकते, बस एक बार दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे करानी है। एक्चुअली मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ कुछ रूम का। तो ये वाला वॉलपेपर आप देख रहे हो ना, ये भी नया लगाया है, बट ये कंप्लीट नहीं लग पाया। मेरे बेटे ने यहाँ पर वॉल पे बहुत कुछ लिख रखा था, बहुत सारा कलर कर रखा था, तो ये सोबर सा एक वॉलपेपर था, आप देख सकते हो, इतना अभी कैप्चर नहीं कर रहा अच्छे से, बहुत प्यारा सा है। बट इसके 6 और 7 रोल मंगाए थे, बट ये छोटा था लेंथ में या जो भी था, तो ये अभी वॉल कंप्लीट नहीं हो पाई। अभी इधर का इतना हिस्सा बचा हुआ है, तो ये कवर करना है हमें, और उसके साथ ही साथ ये साइड वाली वॉल जो है, इसको भी कवर करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कलर वलर कर रखा है। इस वाली वॉल का जो वॉलपेपर जो है, ये हमने लास्ट टू लास्ट ईयर लगाया था, काफ़ी अच्छा है, ये अभी भी वैसे ही है और अच्छा है। इधर का थोड़ा सा निकाल दिया था बेटे ने थोड़ा सा इधर, तो इसको भी रिपेयर करना है, मतलब इस के लिए भी मैंने मंगाया है। तो ओवरऑल जब हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, और जब करूंगी तो तब भी दिखाऊंगी। अभी रूम साफ़ सुथरा पड़ा है, क्योंकि मैंने अभी डस्टिंग और झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है, आप देख सकते हो। वो सामने अलमीरा है, उधर एसी वाला एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से उधर बालकनी है सामने की साइड। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब हो जाएगा या करूँगी तो तब दिखाऊँगी। और ऐसा सब करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। आपका घर जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो, उसको मेंटेन आप ही करते हो, और आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप बहुत पैसे लगा के करो, आप कम में भी कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं कुछ कर रही हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गर्म पानी ले लिया है मॉर्निंग में, अभी मैं नाश्ते में क्या ले रही हूँ वो दिखाती हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, जो भी है वो आपको अभी दिखा देती हूँ कि क्या मैं ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ सिर्फ मिल्क, ये स्किम मिल्क है, आप देख सकते हो, फुल क्रीम मिल्क नहीं है, और ये है 150 ml। तो यही ले रही हूँ मॉर्निंग में, अभी मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया था, गर्म पानी लिया था, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं लिया था, 2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर लिए थे। और अभी आपको दिखा रही हूँ ये जो पाउडर मैंने बनाया था ना, जो मेरा मैजिकल हेल्दियर पाउडर है, वो मैंने बनाया था, ये 3 इंग्रेडिएंट से मिलके बना था। लास्ट वीडियो में मैंने इसका पूरा रेसिपी दिया हुआ है, आप देख लेना। इसको पीने से मुझे बहुत रिलीफ मिला है, क्योंकि मेरी जो बोन्स में चोट मिली थी, उस लगी थी, उसमें बहुत आराम मिला है मुझे, और इसको ही मैं ले रही हूँ अभी। तो इसमें कोई सॉल्ट वगैरह है नहीं, तो मैं यही ले रही हूँ, इसको आधा, ये बड़ा वाला स्पून ले आई थी मैं उठा के, तो ये हाफ स्पून मैं ले रही हूँ, और इसको ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। और मेरा अभी मॉर्निंग का जो फर्स्ट मील है, जो नाश्ता है, वो यही है, सॉल्ट फ्री है। आप भी स्किम्ड मिल्क ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब उम्र बढ़ रही होती है तो आपको मिल्क बहुत ज़रूरी हो जाता है, कैल्शियम ज़रूरी हो जाता है, तो आप सिर्फ डाइट के चक्कर में सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। हमें सब कुछ खा पी के अपना वेट लूज़ करना है, हेल्दी चीज़ें खा पी के अपना वेट लूज़ करना है, तो इसलिए मैं अभी ये ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मिल रही हूँ आपसे अगेन, और स्वेलिंग है अभी, बहुत अजीब सा लग रहा है।
सो एनीवेज उसको हटाते हैं। इधर मैं दिखाती हूँ आपको, ये एप्पल है। कोई भी सीजनल फ्रूट हो, आप सॉल्ट फ्री डे हो या ना हो, आपको लेना चाहिए डेली, अच्छा रहता है आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। तो मैं अभी ले रही हूँ एप्पल, क्योंकि अभी खाने में थोड़ा लेट है, एक दो घंटे में ही खाऊंगी, और खाने में मैंने चिकन बनाया है। तो आप इसे मिड मॉर्निंग स्नैक्स बोल सकते हो, क्योंकि नाश्ते में मैंने लिया था मिल्क, उसके बाद सेकंड मेरा मील ये है, और थर्ड मील क्या होगा वह मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सॉल्ट फ्री डे पे हमें सॉल्ट नहीं लेना, लेकिन और चीज़ें जिससे हमें न्यूट्रिशंस मिलता है, हमें जो विटामिन है और प्रोटीन है, वो सारी चीज़ें हमें लेनी है। तो मैंने बनाया है चिकन, और चिकन का एक पीस, और मसाला जो मैंने पहले निकाल लिया था, जिसमें मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है। तो अभी आपको दिखाऊंगी कैसा बनाया और क्या बनाया। उससे एक रोटी खाऊंगी, रात का भी पता नहीं है क्या खाऊंगी, शाम को भी, क्योंकि विंटर्स में भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है, और अगर अपनी क्रेविंग्स को दबाते हो, भूखे रहते हो, तो फिर आप नेक्स्ट मील पर ज़्यादा खाते हो, और मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहते, तो काम में भी मन नहीं लगता है, चिड़चिड़े लगते हो, इसलिए भूखे नहीं रहना है, सब कुछ खाना है, 32 बार चीव करके खाना है, और सॉल्ट फ्री डे पे सॉल्ट नहीं लेना है। फ्रेंड्स, चिकन हो गया रेडी, और मैंने अपने लिए निकाल लिया है, उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब बनाने वाली हूँ रोटी, आटा ले लिया है, अभी आटा बनाऊंगी और फिर झटपट से रोटी बनाती हूँ। फ्रेंड्स, लंच वगैरह सब हो गया था, और जो भी बर्तन वगैरह जो भी थे, उस वॉश करना, वो सब कर लिया है। अभी ठंड है तो मन करता है थोड़ा सा लेट जाएं, लेकिन अगर लेट जाओ तो फिर ऐसा लगता है तबीयत थोड़ा सा डाउन हो जाती है ना। ठंड है, अगर आप ब्लैंकेट्स वगैरह में लेट जाते हो तो फिर ठंड और ज़्यादा लगती है। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और फिर मेरा बेटा, वो मुझे सोने भी नहीं देता, क्योंकि वो तो पूरे टाइम, मतलब उसका तो प्ले टाइम है, उसको नहीं सोना होता है दिन में, तो इस वजह से। तो मैं आपको अपनी एक ड्रेस दिखा रही हूँ, जो मैंने अभी ऑर्डर की थी और आ गई है, मीशो से की थी। तो ये है, तो इसको अभी आज ही आई है, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करती हूँ। मीशो पे मिल जाते हैं, क्वालिटी मीशो की काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से, मतलब स्टार्टिंग में क्वालिटी का थोड़ा सा था, बट अभी अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह की एक फ्रॉक सी है, अनारकली नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें घेर नहीं है और कलियाँ भी नहीं हैं, बट ऐसा दिखाया गया है लेस लगा के कि कलियाँ हैं, बट कलियाँ नहीं हैं, और बहुत पहनने से बहुत प्रिटी लग रही है। जब मैं पहनूंगी तो इसे आपको दिखाऊंगी। नीचे ऐसे करके फ्रिल सी लगी हुई है, ये देखिए पूरे में फ्रिल लगी हुई है, और फ्रिल के नीचे ये गोटा लगा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर नेक पे इसके ऐसे करके वर्क दिया है, ये वर्क जो आप देख लो, ये जो वैसे शीशे होते हैं ना प्लास्टिक वाले, उनका है, साथ में थ्रेड वर्क है, और गोटा पट्टी भी है, ये गोटा पट्टी लगी हुई है। स्लीव्स पे जो पिक्चर थी उसमें स्लीव्स पे चौड़ा काम दिखाया था, बट इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही है, ये गोटा पट्टी और लगी है, ठीक है। और साइड में ऐसे एक पतली पतली सी डोरियाँ दी गई हैं, जो इससे आप बांध सकते हो। ये एक साइज़ बड़ा आया है मुझे, तो पहले मैं यही साइज़ पहनती थी, बट अभी थोड़ा बड़ा है, तो नॉट एन इश्यू, क्योंकि बेल्ट है, बेल्ट से इसको हम बांध सकते हैं। और मटेरियल आपको दिखा दूँ, कपड़े का मटेरियल काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टफ़ काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो, हल्का मिक्स है, प्योर कॉटन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं है, मिक्स भी इसलिए है जिससे इसमें शाइनिंग आ गई है, थोड़ी सी है कॉटन ही, बट शाइनिंग वाला है, तो अच्छी लग रही है। ओवरऑल पार्टी वेयरिंग भी है, आप कहीं छोटे मोटे मतलब घर पे ऐसा कुछ पार्टी हो, या कहीं आप बाहर गए हो तो पहन सकते हो उसको, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसकी कॉस्ट जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, अनबिलीवेबल है मेरे लिए, तो ये 450 समथिंग का है,
ठीक है, ये ड्रेस लॉन्ग है, अगर आप नीचे इसमें ब्लू कलर की लेगिंग लगा लो, नहीं भी लगाते हो तो भी इतना लॉन्ग है कि आराम से आप पहन सकते हो, जीन्स पे भी पहन सकते हो, अदरवाइज़ लेगिंग पे पहन सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं पहनोगे, मतलब ऐसे ही एज एन फ्रॉक पहनोगे मिडी तो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो प्राइस देखते हुए मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको भी शो कर दी। तो फ्रेंड्स अभी करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और सोचा है शाम को बनाऊँगी कॉर्न चाट, और कैसे बनाऊँगी बिना सॉल्ट के तो आपको शो करूँगी शाम में, लेमन ऐड करूँगी उसमें। और अभी वीडियो बहुत लेंदी हो गया है तो मैं सोच रही हूँ इस वाले पार्ट को डिनर और मेरा इवनिंग जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो फिर लोग देखते भी नहीं और कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो पूरे दिन का आपको बताना चाह रही हूँ ना, क्या क्या खाया क्या क्या नहीं, तो आपको कल मिलेगा। फिर मिलती हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब ख्याल करिए, मेरे लिए दुआ करिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, अभी भी पेन हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।